जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एक स्टूडेंट माइक्रोस्कोप में क्या पार्ट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट माइक्रोस्कोप जो हम लैब में यूज़ करते हैं उसमें क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे, तो आपको देखिए, तो ये जो जहाँ से आप देखते हैं किसी सैंपल को जिसको आप माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हैं, तो ये जो जहाँ से आप व्यू करते हैं उसे हम आई पीस कहते हैं, आई पीस कहते हैं। यहाँ पे आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है जिस पे हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। अच्छा, यहाँ से ले करके और ये स्ट्रक्चर, ये इंटायर स्ट्रक्चर यहाँ से ले के यहाँ तक, इसे हम बॉडी ट्यूब कहते हैं, बॉडी ट्यूब कहते हैं। इसका जो ये लेंथ है ये किसी एक माइक्रोस्कोप के लिए फिक्स होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कुछ बहुत सारे आपको यहाँ पे लेंस दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3। तो इन लेंस को एक जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम नोज पीस कहते हैं, नोज पीस कहते हैं। तो नोज पीस के ऊपर आप देखिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3, इन सब का जो है रिजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन अलग अलग है, तो इसलिए हम अपने ज़रूरत के हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव हमें ज़रूरत है, किस तरह का सैंपल आपको देखना है, उस तरह से हम इसको नोज पीस को रोटेट करके इसके लाइन में ले आ सकते हैं। जो इसके लाइन में रहेगा, ये जैसे ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नंबर 3, यहाँ से यहाँ तक देखिए आप, ये एक स्ट्रेट लाइन में है। तो इस ऑब्जेक्टिव को अभी हम यूज़ पोजीशन में है हमारे, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब नोज़ पीस के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लगे होते हैं जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं, या जिन्हें हम सिंपली ऑब्जेक्टिव कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप स्लाइड को रखते हैं अपने देखने के लिए, यहाँ पे आप अपने स्लाइड को रखते हैं देखने के लिए। इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं स्टेज, स्टेज। जैसे कोई ड्रामा होता है तो वो एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे आप उसको करते हैं। उसी तरह से जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो आप उसको स्लाइड पे प्लेस करके और उसे कहाँ ले आएंगे, स्टेज पे रखेंगे। और स्टेज के ऊपर देखिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जिसे हम स्टेज क्लिप कहते हैं, स्टेज क्लिप, जिसकी सहायता से हम अपनी स्लाइड को ऐसे, जैसे ये हमारी स्लाइड है, इसको हम इसके ऊपर ऐसे फिक्स कर देते हैं, ये स्टेज क्लिप्स हैं, जिससे स्लाइड का मूवमेंट स्टेज के ऊपर इधर उधर ना। अच्छा, कुछ जो थोड़े से सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप्स आते हैं, यहाँ तो जो हम लोग स्टूडेंट माइक्रोस्कोप लैब में यूज़ करते हैं उसमें हम स्लाइड को अपने हाथ से ही एडजस्ट करते हैं, अपनी उंगलियों से एडजस्ट करते हैं, लेकिन कुछ जो माइक्रोस्कोप आते हैं उसमें यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस में मूवमेंट के लिए आपको नॉब प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट। अब देखिए यहाँ पे जब बॉडी ट्यूब के आप
दूसरी तरफ देख रहे हैं यहाँ। तो यहाँ आपको जो ये नॉब दिखाई दे रहा है, इसको आप ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही दिशाओं में रोटेट कर सकते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? ये है कोर्स एडजस्टमेंट, ये है कोर्स एडजस्टमेंट। इसकी प्रिंसिपली आवश्यकता क्यों है वो हम देखेंगे जब अभी हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब आप यहाँ अपनी स्लाइड को स्टेज पे रखते हैं तो आप इस पूरे बॉडी ट्यूब को, ये जो बॉडी ट्यूब है, इसको वाई एक्स जेड एक्सिस पे अप या डाउन मूव कर सकते हैं, है ना, ऊपर या नीचे की तरफ मूव करते हैं एडजस्ट करने के लिए कि हमारा जो सैंपल है, जो हमारी स्लाइड है, उसमें जो सैंपल है यहाँ, वो जो है हमारे माइक्रोस्कोप के फोकस में है कि नहीं, है ना। तो उसको फोकस करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि कोर्स एडजस्टमेंट में जो ये अप एंड डाउन मूवमेंट है, ये बहुत ज़्यादा होता है। मतलब एक बार जब आप उसको रोटेट करेंगे तो हो सकता है 2 मिलीमीटर से लेके 3 मिलीमीटर तक का मूवमेंट हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस तरह का माइक्रोस्कोप है। दूसरा जो एडजस्टमेंट हम यूज़ करते हैं, जब हमें ऑब्जेक्ट थोड़ा दिखाई देने लगता है, लगता है कि हाँ यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे हम देख रहे हैं, तब अगर हम मूवमेंट बहुत ज़्यादा करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव, ये हमारी स्लाइड पे जो सैंपल है या ग्लास है उससे टच हो सकता है, तो इससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो ख़राब हो जाएगा। तो उसको बचने के लिए हमें क्या करना है, जैसे ही हमें ये आभास होता है कि हाँ अब ये हमें, ये हमारी स्लाइड ही दिख रही है, या हमें स्टेनिंग पिंक कलर की दिखाई देने लगी, जब भी जिस तरह का हम स्टेन यूज़ कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे यूज़ करना शुरू करेंगे फाइन एडजस्टमेंट। क्यों? क्योंकि इसका जो जेड एक्सिस पे या अप एंड डाउन मूवमेंट है वो इन टर्म्स ऑफ माइक्रॉन होगा, इन टर्म्स ऑफ माइक्रॉन होगा, माइक्रोमीटर। तो जब इसको आप मूव करेंगे तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके स्लाइड से टच कर जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है किसी ऑब्जेक्ट को जब देखना होता है तो उसको माइक्रोस्कोप पे एडजस्ट करते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो है लाइट। बिना लाइट के तो आप किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। तो आप देखेंगे ये जो स्टेज है, स्टेज के ठीक नीचे ये स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं कंडेंसर, कंडेंसर, है ना। तो कंडेंसर का क्या फंक्शन है भाई? कंडेंसर का फंक्शन है, इसमें दो चीजें लगी होती हैं। तो एक तो होता है इसके नीचे, इसको बोलते हैं डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है ना, डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है भाई, कितनी लाइट इसके अंदर एंटर करनी है सैंपल को देखने के लिए, वो कौन कंट्रोल करेगा? डायफ्राम। और उसके ऊपर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है जो कि जो भी लाइट ऐसे ऐसे या किसी भी तरह से आ रही है उसको स्ट्रेट लाइन में फिर ऐसे करके उसको उसको एंटर कराएगा किसके में, ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो ये है कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो ये कॉन्वेक्स लेंस नीचे लगा होता है और डायफ्राम लगा होता है। डायफ्राम का मेन फंक्शन है कि अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करने के लिए, है ना, कि कितनी लाइट हमारे सैंपल में चाहिए उसको हम कंट्रोल कर सकें। अब उसके नीचे आप देखिए तो ये लगा हुआ है मिरर, ये मिरर है। आजकल ऐसे भी माइक्रोस्कोप आ रहे हैं जिसमें कि लाइट लगी हुई है, बल्ब यहाँ पे लगा रहता है,
जिससे कि हम जो है अपने ऑब्जेक्ट को एलिमिनेट करते हैं, लाइट देते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है लैब में, तो वो है मिरर वाला जो हमारा सिस्टम है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि मिरर में दो तरह के मिरर हैं। देखिए, एक है आपका कॉनकेव मिरर। तो ये कैसा मिरर है, इधर के साइड में पॉलिश्ड है, इधर के साइड से रिफ्लेक्शन होगा, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव। इसका फंक्शन क्या है भाई, आप ऐसे लाइट भेजिए, ऐसे भेजिए, ये उसको लाइट को पैरेलल करके किसके पास भेजेगी, ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है लाइट को फोकस कर रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना। कॉनकेव मिरर का काम क्या हुआ, यहाँ पे लाइट को फोकस कर रहा है ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है सपोज करिए, तो ये जो है लाइट्स यहाँ पे फोकस हो रही हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ इसके अपोजिट साइड में जब आप देखेंगे तो प्लेन मिरर होगा, प्लेन मिरर होगा, है ना। अब इसका क्या फंक्शन है भाई, प्लेन मिरर जो इसके ठीक अपोजिट साइड में, इधर सपोज करिए कॉन्वेक्स है, इधर इधर साइड में अगर यहाँ कॉन्वेक्स है, तो अपोजिट साइड में आपको प्लेन मिरर मिलेगा। प्लेन मिरर का क्या फंक्शन है भाई, देखिए, जब आप ये कंट्रोल करते हैं कि कितना डायफ्राम ओपन या क्लोज है ना, तो उसको देखेंगे कैसे, माइक्रोस्कोप को उल्टा करके तो देखेंगे नहीं, वो बहुत नीचे है और आप उसको झुक के भी नहीं देख सकते। तो आपको उसको देखने के लिए कि कितना डायफ्राम ओपन या क्लोज है, या डायफ्राम सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसको देखने के लिए आपको वहाँ पे प्लेन मिरर प्रोवाइड किया गया है, जिससे आप उसमें देख सकें कि कितना डायफ्राम ओपन है या नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जिसे हमें जानना चाहिए कि डायफ्राम का साइज अगर हमको देखना है टू ऑब्जर्व डायफ्राम, डायफ्राम उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लेन मिरर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहां पे देखिए कि आपको दो यहां पे लेंस हैं इस माइक्रोस्कोप में। ठीक है, एक को हम लोग कह रहे हैं आईपीस, है ना, ये हमारा आईपीस है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो दो दो लेंस होते हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस डी, ये किसी इंडिविजुअल माइक्रोस्कोप के लिए ये फिक्स होती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते, उसको जब हम प्रिंसिपल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसीलिए ये जो बॉडी ट्यूब का साइज है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और ये जो दो लेंस है, ये दोनों ही लेंस कॉन्वेक्स लेंस है। कौन से लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है और ये भी कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और यही दोनों जो लेंस हैं, इन्हीं के द्वारा क्या बनता है, पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अद्वैता एकेडमी वीडियोस।